और हमारी बेटियां जब ब्याह के अपने घरों पर चली जाती हैं ससुराल में, तो उस वक्त उन्हें कुछ अर्से के बाद जो पढ़ाई लिखाई वो ज़रा एक्साइट पर रह जाती है, आपको उस नए घर में एडजस्ट होना होता है। पर सवाल जो आते हैं ये बड़े मज़े के होते हैं, और वो ये होते हैं कि सर अब हमको ताकत मुयस्सर आ गई, उस घर में हमारा कंट्रोल बढ़ गया है, चूँकि मुझसे उन्होंने शुरू में प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी शादी के वक्त, और उसके इस्तेमाल करने से अपनी आदतों को उन्होंने मेंटेन किया, खूबसूरत रखा। अब इनका घर इंडिपेंडेंट हो गया, असूदगी आ गई, अपनी गाड़ी है, अपना घर है, मियाँ बीवी बच्चे, इंडिपेंडेंट ताकत है, और माली तौर पे भी बैंक भी भरे हुए। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर सारी उम्र मैंने खिदमत कर कर के रगड़े खाए हैं, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं बदल जाऊँ, क्या मुझे अपनी रवैया बदल लेना चाहिए, मुझे इनको नो कहना चाहिए, मुझे थोड़ा डिस्टेंस करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस दुनिया में सिर्फ गिले शिकवे ही नहीं हैं, कहीं कहीं खुशी, आसानी और आसूदगी भी होती है। और हमारी बेटियाँ जब ब्याह के अपने घरों पर चली जाती हैं ससुराल में, तो उस वक्त उन्हें कुछ अर्से के बाद जो पढ़ाई लिखाई वो ज़रा एक्साइट पर रह जाती है, आपको उस नए घर में एडजस्ट होना होता है। इब्दाई दिन आलमोस्ट हर लड़की के थोड़े कमज़ोर होते हैं, आप अनसर्टन हालात का शिकार होते हैं, लोगों को जानते नहीं होते, उनकी आते नहीं जानते होते। अब ऐसे में पिछले इन 8-10 बरसों में मैंने देखा कि दो तरह की बच्चियां हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत आदतों वाली हैं, ये आदतें उनकी पहचान हैं, ये आदतें उनकी शान है, ये आदतें उनकी खुशी है, ये आदतें उनका सुख है, ये आदतें यूँ समझे उनके घर की बरकत है। इसका बिल्कुल बरक्स एक बहुत बड़ा ग्रुप बच्चियों का ऐसा है कि जो ज़रा कमज़ोर घरानों से आगे गईं, ताकतवर हो गई, वहाँ घर बड़ा मिल गया। मियाँ शुरू में ज़रा था सड़ियल और बहुत लविंग नहीं था, धीरे धीरे उसको अपने बच्चे दे दिए तो उस घर में आपकी पोजीशन तगड़ी हो गई, मियाँ भी कायल हो गया, ज़रा कोजा था, खूबसूरत बीवी को देख के ज़रा एलिवेशन फील करने लगा। लड़की की तेज़ी की वजह से सास भी दब गई, और जो बाकी नंदे देवर जेठ वो भी होले होले देखा कि ये ज़रा आगे निकल रही है। अब ऐसे में मेरे पास सवाल जो आते हैं ये बड़े मज़े के होते हैं, और वो ये होते हैं कि सर अब हमको ताकत मुयस्सर आ गई, उस घर में हमारा कंट्रोल बढ़ गया है, चूँकि मुझसे उन्होंने शुरू में प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी शादी के वक्त, और उसके इस्तेमाल करने से अपनी आदतों को उन्होंने मेंटेन किया, खूबसूरत रखा। देखिए काउंसलिंग बड़ी शानदार चीज़ है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग लेते हो तो आपको इल्म होता है कि आप लाइफ कोच के पास वो बातें सुन रहे हो जो आपने कभी सुनी नहीं है, आपके ख़ानदान वालों ने भी नहीं आपको बताई। तो एक घंटे में, दो घंटे में, सम टाइम बहुत हुआ तो तीन सेशंस में इतनी ज़िंदगी की आपकी ऐसे करके पूरी टर्निंग हो जाती है। और नई जगह पर जाके एक बात तो ये याद रखें कि गाड़ी आप किताबें पढ़ के नहीं चला सकते, जब तक आप काउंसलिंग नहीं लेंगे कोच साथ बैठा तो बताएगा, स्विमिंग भी नहीं सीखी जा सकती, शादी भी नहीं की जा सकती जब तक प्रैक्टिकली आप उसके लिए प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं लेते, या फिर गलती हो जाए तो पोस्ट मैरिज नहीं लेते। अब ऐसे केसेस में आपको मैं दिलचस्प कुछ केसेस बताता हूँ कि जो आई विश कि मैं आपसे शेयर करूँ और आपको याद रहे। लाइक एक बच्ची जो बहुत ही अच्छे ख़ानदान से थी, पर असल उसकी खूबी ये थी कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में होते हो तो मॉनिटर होते हो, अच्छा मॉनिटर होना नंबरों के जैसे नहीं होता, कहीं कहीं आपकी ग्रिप होती है, कहीं आपकी एक बड़ी शानदार शख्सियत होती है, ऐसी जो सबको मोहब्बत से अपनी छत्र छाया में ले लेती है, जैसे मुर्गी होती है वो अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेती है। जिन दो बच्चियों का मैं आपको लगाऊँ बताने, ये अपने घर में गई और एक दो साल में इनसे मेरा बिल्कुल रब्ता रहा, रेगुलर रहा, और एक दो साल में छोटी छोटी जो तंगियाँ होती हैं सास ससुर की वजह से हुई। एक यहाँ ये था कि ससुर की पहली जो बीवी थी वो फौत हो गई और उनके बच्चे सारे बड़े थे, उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। अब जब उनको खाना खाना होता था तो वो इनके घर आते थे, ये बड़े प्यार से खाना खिलाती थी, चूँकि इनकी माँ खाना खिलाती थी, यानी अपनी माँ की ट्रू बेटी थी। इनके घर में बाप की भी इज्जत एहतराम था,
तो ससुर के आने पे उठ के खड़े होना, उसका बिस्तर बिछाना, वो जो अगर खाली चारपाई हो तो उस पर खेस बिछाना। अब जब दो तीन बच्चे हो गए हैं, कई साल गुजर गए हैं, अब वो परेशान थी कि ससुर अपनी बीवी के पास नहीं जाते। जब उनको दोपहर को या शाम को भूख लगती है तो आते हैं, आके पूछते हैं तिये कुछ पकया है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है तिये कुछ पकया है, ये आप सोचें, इसमें मोहब्बत है, इसमें तोको है, इसमें चाशनी है, इसमें एक तरह का वो फीलिंग है जो आप अपनी सगी बेटी को देते। तो जिस लड़की को ये फीलिंग मुफ्त में मिल रही हो अपने ससुर से, बाप से, या वो कहती थी जो मेरा देवर है, वो भी जब उसको भूख लगती है अपने घर से बजाए जहाँ वो रहता है वो आ जाता है, भाभी कुछ पके आएगा, भूख लगी है। अच्छा, फिर उसने कहा जी मेरी एक दूसरी बच्ची थी, उसने कहा कि मेरे ससुर जो है उन्होंने घर के करीब मस्जिद बनाई है अपने पैसों से, तो जब उनका जी चाहता है मस्जिद में कोई मेहमान आते हैं तो मेरे पास आते हैं कि पुत्र कुछ खानू है जे मेहमान आए ने। तो पहले तो ये इतने साल बनाती रही, अब इनका घर इंडिपेंडेंट हो गया, असूदगी आ गई, अपनी गाड़ी है, अपना घर है, मियाँ बीवी बच्चे, इंडिपेंडेंट ताकत है, और माली तौर पे भी बैंक भी भरे हुए। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर सारी उम्र मैंने खिदमत कर कर के रगड़े खाए हैं, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं बदल जाऊँ, क्या मुझे अपनी रवैया बदल लेना चाहिए, मुझे इनको नो कहना चाहिए, मुझे थोड़ा डिस्टेंस करना चाहिए। उनकी सारी बातें सुनने के बाद, क्योंकि मेरे पास तो वो मशवरे के लिए आए थे कि मैं कैसे नो कहना सीखूं, तो मैंने उनसे कहा मेरे बच्चे हर गांव में चौधरी एक ही होता है, उसकी बीवी को चौधरानी कहते हैं, तो 10 गांव में से एक चौधरानी ऐसी होती है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसके पास कमी कमीन भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, बेटे बेटियाँ सब आते हैं, उनको वो लस्सी भी देती है, उनको वो दूध भी देती है, चारपाइयाँ देनी हो वो भी देती है, बिस्तर भी देती है। हर वो जो होती है ना, यानी बरादरी की शादी पे जाके उसे तोहफा तहफ भी देना होता है। जिस लड़की का हाथ खुला होगा, उसका दिल बड़ा होगा, तो उसके लिए इज्जत ज़्यादा होती है, उसकी ज़िंदगी में बरकत ज़्यादा होती है। लाइक मैंने उनसे पूछा, दोनों तीनों बच्चियों से पूछा कि जब तुम अपने ससुर को खाना खिला देते हो तो घर में उस शाम को फाका होता है, तो हंस पड़ी कि लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो क्या जब तुम अपने नंद को या नंद के बच्चों को या अपने देवर को कोई खिला देते हो तो घर में उस वक्त कोई रिज़्क की कमी आती है, उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो क्या जाते हुए उनकी आंखें मुस्कुरा रही होती हैं, बिल्कुल मुस्कुराती हैं, शुक्रिया कहते हैं, कहते हैं। अब सोचिए ये जो खूबी है ये अल्लाह की खूबियों में से है, अल्लाह खिलाता है और अपनी मर्जी से खिलाता है और बेशुमार खिलाता है, रब्बुल आलमीन है ना, कुछ लोगों को कुछ बंदों को ये खूबी देता है। तो मैंने उन बेटियों से जो मेरे साथ जब इस तरह का रابطہ करती है तो मैंने ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे अपनी खूबसूरत आदतों को पोटली में बंद करो, जाके किसी गटर में फेंको, डस्टबिन में फेंक दो, नो नेवर डू दैट। जिस बात को रब ने आपके दिल में अलका किया, आपकी ज़िंदगी को आदतों को खूबसूरत बनाया, आपको देने वाला बनाया, खिलाने वाला बनाया, अगर कारी साहब का खाना पकना है और मी आके ससुर आपको ये कहे कि ये खाना नहीं तो मैं फिर अंडे ले आऊँ, अब इसका मतलब क्या है? वो अपनी बीवी के पास जाने में कंफर्टेबल नहीं है, बेटी के पास जाने में कंफर्टेबल नहीं है, ही नोज कि इस घर में बरकत है, यहाँ मेरी ये बहू है, ये इनकार नहीं करेगी। और एक बात तो दिल में ईमान की तरह रखिए कि जो अल्लाह के मेहमानों को खिलाता है, जो अपने अजीज़ो अकारब को खिलाता है, या उन लोगों को खिलाता है कि जो अपने अपने घरों में कमज़ोर कर दिए गए, एक बात जो ज़िंदगी में मैंने सीखी, बहुत सारा हमारे घरों में रिस्क उन लोगों की वजह से आता है जो सोसाइटी में कमज़ोर होते हैं, उनका रिस्क अल्लाह उनको बराह रास्त नहीं देता, चुन के उन बंदों को देता है, उन बंदियों को देता है कि जिनकी ज़िंदगी में आदत बन जाती है और फिर खैर और बरकत उनके घर को देख लेती है। कितने घर आपने भी देखे होंगे जहाँ खाने खिलाने पे, मेहमानदारी पे किलकिल होती रहती है, और वहाँ जितने मर्जी पैसे हों, जितनी मर्जी गाड़ी हों, जितना मर्जी खुला घर हो, हमेशा तंगी होती है, दिल भी तंग, घर भी तंग, रिस्क भी तंग, वहाँ खुशी भी दूर से देख के परे चली जाती है और बरकत तो वहाँ आ नहीं पाती। तो ऐ प्यारी लड़कियों, जो शादी के बाद भी प्यारी हो, अपनी खूबसूरत आदतों को कभी किसी भी बदगुमानी की वजह से,
किसी भी एहसास की वजह से कि मैं अब ताकतवर हो गई हूँ, अल्लाह माफ़ करे ये ताकत बहुत आर्जी है, ऐसे करके वापस हो जाती है। आदतों को, खूबसूरत बातों को और ज़िंदगी की खूबसूरती को, और ख़ास तौर पर जो खाना खिलाने वाली और अपने इज़ाकारों का ख्याल रखने वाली, इसको कभी मत छोड़िए। मेरा रब आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।